रोजगार नहीं है, खुद का व्यवसाय स्थापित करो, कैसा रोजगार नहीं। तो मैंने 3 क्यारियों में लहसुन लगाई है, 6 किलो के लगभग। देखूंगा कि उस 6 किलो में मेरा कितना निकला है कितना नहीं है, फिर मेहनत कितनी है इसका भी पूरा जायजा लूंगा कि क्या कॉस्ट बैठ रही है। मतलब हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं दीपक नौटियाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में जो कि मैं बना रहा हूं अपने गांव सोन जो कि पड़ता है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में और भंडार से पट्टी। तो मैं आ रखा हूं आजकल घर, आपने देखी होगी मेरी वीडियो। तो दोस्तों मैं आया था इधर खेतों में अपने खेत खलिहान को देखने, बहुत टाइम हो गया था गया नहीं। तो ये हमारा गाँव का नज़ारा देख सकते हैं आप पीछे से, इसके पीछे पूरा गाँव है और एक फ्रंट नज़ारा है और एक खेत है, ये देख सकते हैं। वैसे आपने मैंने एक वीडियो डाली थी ड्रोन वाली, तो उसमें देखा होगा आपने, अगर नहीं देखा होगा तो एक बार ज़रूर देखें गांव का नज़ारा कि कैसा है, और बहुत ही सुंदर गांव है हमारा। तो दोस्तों भाई जी हैं बड़े भाई, तो उन्होंने यहाँ पे प्लान रोकने के लिए बहुत अच्छा सा रोज़गार का साधन भी, और मतलब प्लान भी रुक जाए उसके लिए यहाँ पे सेब के बगीचे लगाए, क्योंकि गेहूँ अब क्या हो रखा कि गाँव में बंदर आने लग गए और फसल को नष्ट करने लग गए। तो उसे न गेहूँ ज़्यादा होता है न धान, तो उन्होंने क्या कर दिया, सेब का बगीचा लगा दिया जो कि यहाँ पे फर्स्ट बार लग रहे हैं सेब बगीचा, और पूरे खेतों में लगा रखा है और यहाँ सीढ़ीदार खेत होते, दिखाता हूँ मैं आपको अभी। तो बहुत ही अच्छा विचार आए उनके मन में, तो मैं उनको पूछूंगा भी कहाँ से आए और कैसे लगाया आपने, क्योंकि पहली बार लग रहे हैं यहाँ पे। पूछते हैं भाई को कि कहाँ से ये आइडिया आया, और पहले मैं दिखाता हूँ आपको ये पूरा नज़ारा। दोस्तों आप देख सकते हैं ये सीढ़ीदार खेत, ये देखो, और ये नज़ारा, और ये लोगों के खेत, ये देखो, और ये लगे हैं सेब। अब देखो ये सेब के पेड़ भी लगा रखे हैं, ये देखो ये सेब के पेड़ लगा रखे हैं, कम से कम 200 के करीबन होंगे, इतना अनुमान नहीं है। और ये देखो इसमें पालक राजमा आलू भी साथ साथ, तो नहीं तो पहले यहाँ गेहूँ बोया रहता था, ठीक है। और ये देखो गाँव का नज़ारा, बहुत ही मस्त नज़ारा है। और ये मेरे भाई देखो खेतों में ही रहते हैं देख रेख करने के लिए, तो पूछते हैं इनसे। भाई जी नमस्कार, आप ये बताइए पहले कि आपके दिमाग में ये इतना विचार कहाँ से, इतना डेंजर आइडिया कहाँ से आया कि जिससे मतलब प्लान रुक जाए, और सेब का बगीचा आपने कहाँ से, मतलब बताइए आप कुछ इसके बारे में। सबसे पहले तो इसमें मैंने ये सोचा है कि ये जो बोलते हैं कि सेब नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, तो पहाड़ में कुछ नहीं है, सब कुछ तो पहाड़ में है, मैदानों में क्या है, प्रदूषण से बढ़ के कुछ नहीं है, पहाड़ों में तो शुद्ध वातावरण है। अच्छा फिर रही रोजगार की बात, लोगों ने सोचा है कि यहाँ पहाड़ में तो कुछ रोजगार नहीं है, अरे रोजगार नहीं है, खुद का व्यवसाय स्थापित करो, कैसा रोजगार नहीं है? काम तो करना नहीं है, मर मिल जाए आनंद का तो ठीक है, नहीं मिले तो तो इसमें मैंने किसी और को नहीं बोल के खुद ही पहले अपने आप पे ही प्रैक्टिकल करना शुरू किया है कि क्यों ना मैं लोगों को तब बोलूं, पहले मैं खुद का अपना प्लांट तैयार करूं। और मैंने ये 200 के लगभग तो मैंने पेड़ लगाए हैं इस बार, और ये लोगों को दिखाने के लिए है कि ये चीज़ होती है। और मुझे तो उम्मीद है कि अगर मेरा ये प्लांट सक्सेस होता है तो मेरे आगे जो ये जितने भी खेत दिख रहे हैं, तो आज के आने के बाद 2 साल बाद इन खेतों में भी ऐसे प्लांट आपको दिखेंगे। और जो लोग हमारे छोटे भाई बाहर रह रहे हैं वो घर की तरफ वापसी करेंगे। अच्छा रही बात, फिर मैंने इन आलू इसके सेब की खेती के साथ साथ क्या सोचा है कि पहाड़ों में जैसे राजमा अच्छी होती है क्या, तो मैंने राजमा भी लगवाई है, आलू भी लगवाया प्रैक्टिकल के लिए। फिर मैंने अपने आप में एक एक सोचा है कि क्यों ना एक बार लहसुन लगा के देखता हूँ, तो मैंने 3 क्यारियों में लहसुन लगाई है, 6 किलो के लगभग। देखूँगा कि उस 6 किलो में मेरा कितना निकला है कितना नहीं है, फिर मेहनत कितनी है इसका भी पूरा जायज़ा लूँगा कि क्या कॉस्ट बैठ रही है, मतलब मुनाफे की तरफ है कि घाटे की तरफ है। अच्छा यहाँ पे प्याज की खेती तो हो नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी है थोड़ा चोपड़ी मिट्टी, इसमें अगर पानी है तब तो ठीक है, अगर पानी नहीं और सूखा पड़ गया तो ये टाइट कर देते, और जिससे
प्याज की ग्रोथ बढ़ना बंद हो जाता। भाई ने अच्छे से तरीके से बताया। तो इसमें भाई जी कितना टाइम लग पाएगा, अभी कितना समय लगेगा इसमें कि कितने टाइम में होते हैं ये सेब, मतलब हमारे जो और दर्शक है देखने वाले जो पहाड़ों के जो प्लान के लिए भाग रहे हैं, तो 5-10 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं और मतलब बहुत सारा अपने खेत बंजर पड़े हुए हैं, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा कि मतलब ये कितना टाइम देना पड़ेगा और कितनी मेहनत है थोड़े बताइए आप। देखो मेहनत तो भाई बिना कर्म के संघर्ष ही जीवन है और बिना संघर्ष से कुछ हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि मेहनत तो सभी चीज़ में करनी पड़ती है। अगर बाहर भी कोई 5-10 हज़ार की नौकरी कर रहा है, क्या वो वहाँ बैठा हुआ है कुर्सी लगी हुई है क्या? सही बात, वहाँ भी तो टाइम देना पड़ रहा है ना। अच्छा तो टाइम मेहनत तो है, पर इसमें 3 प्रकार की नस्ल है इस सेब की, 3 प्रकार की किस्म। एक तो ये है कि जो इस साल लगाए अगले साल फल दे देंगे तो उनकी लाइफ कम है, तो हमें ऐसे प्लांट तैयार करने हैं कि जिनकी लाइफ थोड़ा लंबी हो। और हम अगर एक साल वेट करते हैं तो 3रे साल से हमें फल मिलना शुरू होगा, और कम से कम हमारा जो एक ये है तो जो मेरा खुद का टारगेट है कि मैं 3रे साल से अगर लूँगा तो मैं 1.5 पेटी के लगभग, अच्छा मतलब 30 kg पर प्लांट। अच्छा तो इसमें आप ये बताओ ना इसकी कॉस्ट कितनी लगेगी, मतलब जैसे आपने पेड़ लगाए इसमें कोई सरकार की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मुनाफा के मतलब डिस्काउंट है, कुछ सब्सिडी है, मतलब आप बताओ, क्योंकि कोई और भी मतलब क्योंकि किसी के पास उतना पैसा नहीं होता है कि नहीं, तो मतलब आप ये बताइए कि कितनी कॉस्ट है, कितनी इसका मतलब खर्चा जितना आएगा, ठीक है, पेड़ के हिसाब से। कुछ पेड़ ख़राब जो दवाई होती है इस पेड़ों की, उस समय तो ज्ञान है आपको तो पता है कि आपने ये सारा जब लगाया होगा तो आप हर जगह पूछा होगा आपने, ठीक है, तो थोड़ा बताइए क्या लागत लगेगी इसकी? अगर लागत की रही बात लागत की, इसमें हमारे उत्तराखंड सरकार ने एक मिशन चलाया बागवान मिशन, तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट 80% सब्सिडी काश्तकार को दे रही है जो बागवान लगवाना चाहता है, 80% सब्सिडी है, 20% लगाना। तो मेरे हिसाब से अगर 50-60 हज़ार रुपये में ही आसानी से काम हो सकता है कि अगर जैसे हमारे पहाड़ों में अगर इसके घेर बाड़ का और रख रखाव सही किया जाए और सामूहिक रूप से किया जाए ये, तो मेरे हिसाब से बहुत ही कम लागत में बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। और जैसे रही बात इसमें लोन भी कराना चाहिए तो लोन से भी हो जाएगा? लोन नहीं है वो, गवर्नमेंट का वो है, लोन से भी हो जाएगा, लेकिन मैंने जैसा कि किया तो मैंने खुद के उससे किया है, ये मैंने अभी किसी उससे नहीं है। मैंने बताया था आपको इससे पहले कि मैं पहले खुद प्रैक्टिकल करना चाह रहा हूँ कि वास्तव में है क्या चीज़। तो आप ये बताएं भाई जी एक पेड़ की लागत कितनी होगी नॉर्मली, मतलब अगर एक पेड़ जैसे? ये 350 से शुरू हैं पेड़ और 700-1200 एक पेड़ की, मतलब एक पेड़ की कीमत। तो आप लोगों को कितने में, जैसे कोई खरीदना चाहे तो कितने में पड़ेगा? 700-350 इसमें अलग अलग। जैसे इसकी ये देखिए और जैसे अभी इसमें पत्ते नहीं आ रहे अभी, मतलब किसी पे आ रहे कि उसके उधर चलते हैं थोड़ा, जैसे ये इसमें पत्ते भी आ गए, ठीक है, पूरा मतलब पेड़ लग चुका है, ठीक है, तो इसकी जो दवाई कीड़े की दवाई है, ठीक है, इसको कौन देता है? नहीं ये खुद लानी पड़ेगी, या विभाग भी दे देता है, हॉर्टिकल्चर देता है, उपलब्ध करवाता है, कृषि विभाग करवाएगा उपलब्ध। पर अभी मेरा ये कोई टारगेट नहीं, मैंने बताया था कि मैं खुद का ये करना चाह रहा हूँ, मैं किसी पे डिपेंड नहीं होना चाह रहा हूँ। आपके पास कहाँ से आया ये, मतलब दिमाग कहाँ से आया कि ये है, क्योंकि आपका हमने देखा है कि बिजनेस भी सही तरीके से है और मतलब इतना। मैं एक बार हिमाचल गया था घूमने ऐसे दोस्तों के साथ, तो मैंने देखा यार हिमाचल के तर्ज पे क्यों ना हमारे खासकर उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा गंगा यमुना वैली, इनमें हिमाचल के तर्ज पे सेब की खेती की जा सकती है, पर इसमें वही है कि किस्मों का आंकलन सही होना चाहिए कि कौन सी किस्म हमारी कितने हाइट में होनी चाहिए। तो इससे इनकम भी सही हो जाएगी, मतलब अभी 3 साल देना पड़ेगा आपको, 2-3 साल देना पड़ेगा और थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, परिश्रम देना कुछ नहीं है। देखो रही बात देने की, अगर तुम इसके साथ जैसे मैंने ये साइड से थोड़ा सा आलू लगाया है, बीन्स लगाए हैं, कहीं राजमा बोई है, कहीं लहसुन बोया है, तो सब मेरे हिसाब से जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उतना मेरा निकल जाएगा। तो भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं
तो ऐसे आप और लोगों को भी बताएं, ठीक है। और ये मुहिम है मेरी एक, खासकर जो भाई बाहर जा रह रहे हैं, कि अगर उनको बाहर 10,000 रुपये मिल रहे हैं तो गांव में आओ और हम हमारे साथ जुड़ो और खेती करो। जी मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ आपसे, कि जैसे सपोज आजकल देखा आपने परसों की बहुत बारिश हुई, ओले पड़े हैं, तो इसके लिए आपने इस पेड़ के क्या सोचा है आपने? इस पेड़ नहीं, इस जब अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो इसमें ग्रोथ निकल ही रही है, प्लांट वो पत्ते निकल रहे हैं, पर अगले नेक्स्ट ईयर जो मेरा होगा उस टाइम मुझे इसमें जो नेट बोलते हैं नेट जाली लगेगी बात, तो उससे ओले भाई इसमें कोई वो नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी अपने इधर पर प्लांट लगाए जो 5-10 हज़ार की नौकरी बाहर कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा है, अभी मैं आपको थोड़ा एक राउंड दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मैं दिखाता हूँ आपको इसका थोड़ा नज़ारा कि क्या क्या है। तो देख सकते हैं आप, मतलब कम खर्चे में सही उपाय, ठीक है, क्योंकि गेहूँ धान अब तो उतना बारिश भी नहीं हो पा रही है, धान भी में भी दिक्कत है, तो ये बहुत ही अच्छा मुहिम उठाया इन्होंने। तो ये देख सकते हैं आप, अभी भी कार्य प्रगति पे इनका, यहाँ पे घेरबाड़ भी कर रहे हैं कि कोई जानवर ना आ जाए, क्योंकि आवारा गायें भी बहुत है, देख सकते हैं। ये देखो ये पेड़, इसमें पत्तियां भी आ गई, देखो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए यूं ही बने रहे मेरे चैनल पे, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय माता दी, धन्यवाद।